हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 16 पार्ट 29। चैप्टर 16 हमारा है डेवलपिंग प्राइजिंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स। इस चैप्टर के भी 28 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। पार्ट 29 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट टॉपिक हम क्या कवर कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम कवर कर रहे थे इनिशिएटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस चेंजेस। अगर इस टॉपिक को देखा जाए तो एक्चुअल में ये दो टॉपिक्स हैं। पहला है इनिशिएटिंग प्राइस चेंजेस। इनिशिएटिंग प्राइस चेंजेस का मतलब है कि भी कब कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करने का इनिशिएटिव लेती है, या हम कह सकते हैं कि भी कब कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करती है। क्योंकि इससे पहले वाला जो टॉपिक हमने किया था उसमें हमने देखा था कि भी कभी भी कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए एक सिंगल प्राइस सेट नहीं करती। अलग अलग सिचुएशंस में, या हम कह सकते हैं अलग अलग कंडीशंस के लिए, कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करती रहती है उन सिचुएशंस और कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इनिशिएटिंग प्राइस चेंजेस की बात करें तो प्राइस चेंज का मतलब है कि कंपनी या तो प्राइस को कट करेगी या फिर कंपनी प्राइस को रेज करेगी। तो इस दो तरीके से हमारी कंपनी क्या कर सकती है, प्राइस में चेंजेस कर सकती है। दूसरा हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस चेंजेस। रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस चेंजेस का मतलब है कि जब मार्केट में कॉम्पिटिटर्स अपने प्राइस को चेंज कर रहे हैं तो कंपनी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी या क्या कंपनी का रिएक्शन होगा उस प्राइस चेंज के लिए, तो उसको हमें स्टडी करना है। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट कर रखा था इनिशिएटिंग प्राइस चेंजेस कि भी कब कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करने का इनिशिएटिव लेती है। इनिशिएटिव में भी हम कट्स को डिस्कस कर चुके हैं, इनिशिएटिंग प्राइस कट्स कि भी कब कौन सी वो सर्कमस्टांसेस होती हैं जब कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कट करती है, उनको हमने स्टडी करा। फिर हमने ये भी देखा था कि भी जब प्राइस कटिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करती है तो वो बहुत सारे ट्रैप्स में भी फंस सकती है, उसके लिए बहुत सारे नुकसान भी हैं, उनको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड प्राइस चेंज को। पहला प्राइस चेंज हमने देख लिया कि भी पहला प्राइस चेंज था कट करके, प्राइस में कुछ रिडक्शन करके। सेकंड प्राइस को चेंज कैसे कर सकती हैं कंपनी, वो है इनिशिएटिंग प्राइस इंक्रीज। अगर कंपनीज अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करती हैं तो उसे कैसे, या हम कह सकते हैं कैसे डील किया जा सकता है, या किन सिचुएशंस में इंक्रीज करती हैं। अ सक्सेसफुल प्राइस इंक्रीज कैन रेज द प्रॉफिट्स कंसिडरेबली। ये कह रहा है अगर प्राइस इंक्रीज अच्छे तरीके से किया जाए तो वो एक कंपनी के प्रॉफिट्स को कंसिडरेबली रेज कर देगा। मीन्स अगर अच्छे तरीके से प्राइस इंक्रीज को अप्लाई किया जाए तो वो आपके प्रॉफिट्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। इफ द कंपनीज प्रॉफिट मार्जिन इज 3% ऑफ सेल्स, अगर किसी कंपनी के जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का मार्जिन 3% ऑफ सेल्स है, अ 1% प्राइस इंक्रीज विल इंक्रीज प्रॉफिट्स बाय 33% इफ द सेल्स वॉल्यूम इज अनइफेक्टेड। ये कह रहा है अगर उसी कंपनी के प्राइस को 1% बढ़ा दिया जाए तो वो उस कंपनी के प्रॉफिट्स को 33% बढ़ा देगा और बेशक उसके सेल्स वॉल्यूम अनइफेक्टिव रहे। This is illustrated in table 16.5. इसको अभी हम समझते हैं। नॉर्मल सी बात है, एक कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन था वो उसकी सेल्स का 3% था, और अगर हम उसी कंपनी के प्रोडक्ट के प्राइस को 1% इंक्रीज करते हैं तो वो 1% इंक्रीज जो हुआ है उसके प्राइस में, वो उसके प्रॉफिट्स को 33% इंक्रीज कर देगा, इवन इफ द सेल्स इज अनइफेक्टेड, बेशक उनकी सेल्स सेम हो। तो इसको हम स्टडी करते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। ये देखें, ये कह रहा है आपका प्राइस है $10, लेकिन आपने इसमें कितना इंक्रीज करना था, 1% का। अगर 1% का इंक्रीज करें तो इंक्रीज करने के बाद हो जाएगा $10.10। अगर हम मानते हैं कि भी जो हमारी सेल्स हैं वो 100 यूनिट्स की हैं, सेल्स को हमने कहा था कि भी सेल्स क्या है, सेम है या अनइफेक्टेड है, तो 100 यूनिट्स की सेल अब मान के चल रहे हैं। अगर आप रिवेन्यू की बात करें तो जब आप 100 यूनिट्स ₹10 के डॉलर के हिसाब से बेच रहे हैं तो आपका रिवेन्यू होगा $1000, लेकिन जब आपने प्राइस इंक्रीज करके $10.10 कर दिया और 100 यूनिट्स को सेल करेंगे तो आपका जो रिवेन्यू होगा टोटल वो होगा $1010, $10, क्लियर।
उसके बाद अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट दोनों में सेम आएगी, क्योंकि कॉस्ट में कोई चेंज आया ही नहीं, आपने सिर्फ प्राइस को 1% इंक्रीज करा है। तो जो हमारी कॉस्ट थी वो $970 थी, $970 यहाँ है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ये देखो आपका रिवेन्यू $1000 था, 1000 में से 970 को लेस करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो आया $30। यहां हमारा रिवेन्यू कितना था, $1010, उसमें से 970 को हमने अगर लेस कर दिया तो हमारा प्रॉफिट बच के आता है 14। तो आप ये देखें कि भी आपने प्राइस को कितना इंक्रीज करा है, सिर्फ 1%। और अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे, इस प्रॉफिट की बात अगर हम करें तो प्रॉफिट में कितना इंक्रीज हुआ है, $10 का। $10 कितने पे इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज निकालनी आती होगी आई होप, तो ₹30 पे हमें ₹10 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो अगर आप इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 33% हो जाएगा। तो आप ये देखें, इससे हमें साफ साफ दिख रहा है कि भी अगर प्राइस में इंक्रीज सक्सेसफुली या अच्छे तरीके से किया जाए तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स के मार्जिन हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं, बेशक उनकी सेल्स सेम रहें। ये हमने इस एग्जांपल से भी देख लिया कि भी जो हमने प्राइस में चेंज किया, प्राइस में सिर्फ आपने 1% इंक्रीज करा है, लेकिन उसकी वजह से आप ये देखें आपके प्रॉफिट में कितना इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट $30 थे, वो $40 हो गए। अगर ₹10 ये बढ़ रहे हैं ₹30 के अकॉर्डिंग, तो आपको 33% इंक्रीज हुआ है, ये आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आप खुद देखें कि भी प्राइस में सिर्फ 1% चेंज हुआ है, उसकी वजह से प्रॉफिट हमारे 33% इंक्रीज हो गए, और जिसमें हमारी जो यूनिट सोल्ड थी वो सेम है, 100-100। क्लियर? तो ये आपको मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा, यही इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद है, हम अब डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं या सिचुएशंस हैं जब कंपनीज को अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करना पड़ता है। तो उसमें अगर हम बात करें, मेजर सर्कमस्टांस प्रोवोकिंग प्राइस इंक्रीज इज कॉस्ट इन्फ्लेशन। ये कह रहा है जो मेन सर्कमस्टांस है जो कंपनीज को कहते हैं कि भी फोर्स करता है कि भी वो अपने प्राइसेस को इंक्रीज करें, वो है कॉस्ट इन्फ्लेशन। कॉस्ट इन्फ्लेशन का मतलब है, इन्फ्लेशन का मतलब है जब सभी चीज़ों के प्राइजेज हाई हो जाते हैं नॉर्मल प्राइजेज से, तो हम बोलते हैं कि भी इन्फ्लेशन आ गया। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन का मतलब है जब प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट ही बढ़ रही है तो कंपनीज को अपने प्रोडक्ट के प्राइस को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो पहला मेजर सर्कमस्टांस हमने देखा जिसकी वजह से कंपनीज को अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को हाई करना पड़ता है, वो है उनकी कॉस्ट का बढ़ना, कॉस्ट इन्फ्लेशन। राइजिंग कॉस्ट अनमैच्ड बाय प्रोडक्टिविटी गेन्स स्क्वीज प्रॉफिट मार्जिन्स एंड लीड कंपनीज टू रेगुलर राउंड्स ऑफ प्राइस इंक्रीज। ये कह रहा है जब कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल की, हम कह सकते हैं जो भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उन्हें चाहिए, जब उन चीज़ों की कॉस्ट बढ़ती है और वो जो प्रोडक्टिविटी गेन्स हो रहे हैं उससे अनमैच हो जाती है, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाते हैं, स्क्वीज, तो उसी वजह से कंपनीज को रेगुलरली अपने प्राइजेस को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज। क्लियर? ये हमने फर्स्ट रीजन स्टडी किया है, या आप कह सकते हैं सर्कमस्टांस स्टडी किया है कि भी क्यों कंपनीज को अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को इंक्रीज करना पड़ता है। उसका रीजन है कॉस्ट इन्फ्लेशन, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है, और जब कॉस्ट इंक्रीज हो रही है उस राइजिंग कॉस्ट को मैच करने के लिए, अदरवाइज तो क्या होगा, उनके प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, रेगुलरली अपने प्राइस को इंक्रीज करती हैं। कंपनीज often raise their prices by more than the cost increase. ये कह रहा है अब हमने ये तो देख लिया कि भी cost increase हो रही है इसलिए कंपनी को अपने prices को increase करना पड़ता है, लेकिन क्या वो same proportion में अपने prices को increase करती है? मान लो अगर ₹10 cost increase हुई है तो क्या वो price को भी ₹10 increase करेगी? तो ऐसा नहीं होता। कंपनीज ऑफन रेज देयर प्राइस बाय मोर देन द कॉस्ट इंक्रीज। जितनी कॉस्ट इंक्रीज हुई है वो उससे ज्यादा अपने प्राइस को इंक्रीज करती है। मान लो अगर कॉस्ट सिर्फ ₹10 इंक्रीज हुई है तो वो प्राइस को हो सकता है कि ₹15 इंक्रीज कर दे। क्लियर? इन एंटिसिपेशन ऐसा क्यों करती है वो, इन एंटिसिपेशन ऑफ फर्दर इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल्स इन अ प्रैक्टिस कॉल्ड एंटिसिपेटरी प्राइसिंग।
ये कह रहा है वो ये एज्यूम करके चलते हैं या वो एंटिसिपेशन उम्मीद लगाती है कि भी फर्दर भी इन्फ्लेशन होगा, फर्दर भी प्राइसेस इंक्रीज होंगे, मतलब सारी चीज़ों के कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो वो बार बार चेंज ना करने की बजाय से बेशक अभी कॉस्ट 10 रुपये बढ़ी हो लेकिन वो उम्मीद करती है कि भी फर्दर भी कॉस्ट इंक्रीज होगी और बार बार प्राइस चेंज करने की बजाय वो एक ही बार प्राइस को इंक्रीज कर देती है, या फिर वो ये भी मान के चलती है कि गवर्नमेंट के प्राइस कंट्रोल आ सकते हैं, गवर्नमेंट प्राइस पे कंट्रोल लगा सकती है, तो उससे पहले ही वो अपने प्राइस को क्या कर देती है, जितनी कॉस्ट इंक्रीज हुई है उससे ज्यादा प्राइस को इंक्रीज कर देती है, जिसे हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी प्राइसिंग। क्योंकि आप अभी सिर्फ एंटीसिपेशन कर रहे हैं कि भी फ्यूचर में हो सकता है जो ये कॉस्ट अभी इन्फ्लेट हुई है इससे ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाए, या फिर गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल सप्लाई कर देगी, तो आप क्या करते हैं पहले ही कॉस्ट से ज्यादा अपने प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं, जिसे हमने बोला है एंटीसिपेटरी प्राइसिंग। आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। ये हमने देखा कि भी कॉस्ट अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सक्सेसफुली इंक्रीज करती है तो उसके प्रॉफिट्स के मार्जिन बहुत ज़्यादा राइज होते हैं, जितना उसका प्राइस राइज नहीं होता जितना उसके प्रॉफिट के मार्जिन्स इंक्रीज होते हैं। दूसरा हमने फिर स्टडी करा, जो दूसरा टॉपिक हमने डिस्कस करा वो है सर्कमस्टांसेस, कि भी वो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस है जिनकी वजह से कंपनी को अपने प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज करने पड़ते हैं। पहला रीज़न हमें मिला कि भी कॉस्ट इन्फ्लेशन, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है उसमें, तो उसको मैच करने के लिए, क्योंकि जब आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आप प्राइस को भी राइज करेंगे, क्योंकि आप अपने प्रॉफिट के मार्जिन्स को स्क्वीज नहीं करेंगे। कोई भी कंपनी आपको घर से प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल करवाएगी, वो अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को कवर करेगी। और हमने देखा कि भी कंपनीज क्या करती हैं, जितनी कॉस्ट इंक्रीज होती है उतने प्राइस को इंक्रीज नहीं करती बल्कि उससे ज़्यादा प्राइसेस को इंक्रीज करती है, क्योंकि वो सोचती है कि भी फ्यूचर में और इन्फ्लेशन होगा या गवर्नमेंट के प्राइस कंट्रोल्स आ जाएंगे, इसलिए वो पहले ही कॉस्ट से ज़्यादा ही प्राइस को इंक्रीज कर देती है, जिसे हमने बोला है एंटीसिपेटरी प्राइसिंग, कि आप उम्मीद में या एंटीसिपेशन में कि फ्यूचर में ये होगा आप प्राइस को पहले ही हाई सेट कर देते हैं। अनदर फैक्टर, अब हम दूसरा सर्कमस्टांस पढ़ेंगे जिसकी वजह से कंपनीज अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करती है। अनदर फैक्टर लीडिंग टू प्राइस इंक्रीज इज ओवर डिमांड। ये कह रहा है दूसरी बार कंपनीज कब अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करती है, जब उसके प्रोडक्ट की ओवर डिमांड होती है। व्हेन अ कंपनी कैन नॉट सप्लाई ऑल इट कस्टमर्स इट कैन रेज इट प्राइजेस रेशन सप्लाईज और बोथ। ये कह रहा है जब कंपनी अपने सारे कस्टमर्स को सप्लाई नहीं कर पाती प्रोडक्ट की क्योंकि ओवर डिमांड है, तो वो क्या करती है, या तो अपने प्राइजेस को बढ़ा देती है या सप्लाईज को रेशन कर देती है या दोनों ही काम कर देती है। तो दूसरा हमने सर्कमस्टांस देखा कि भी कब कंपनी अपने प्राइस को इंक्रीज करती है, जब उसकी मार्केट में ओवर डिमांड होती है, वो कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाती, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई कम होती है, तो उस केस में वो क्या करती है अपने प्राइसेस को रेज कर देती है। इट कैन इंक्रीज प्राइस इन द फॉलोइंग वेज ईच ऑफ विच हैज अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन बायर्स। अब ये कह रहा है प्राइस को कैसे कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास और उन तरीकों का क्या बायर पे इंपैक्ट पड़ता है वो भी अलग अलग है। क्लियर? अब उन फॉलोइंग वेज को पढ़ेंगे कि भी कैसे कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज कर सकती है। फर्स्ट उसमें है डिलेड कोटेशन प्राइसिंग। द कंपनी डज नॉट सेट अ फाइनल प्राइस अंटिल द प्रोडक्ट इज फिनिश्ड और डिलीवर्ड। ये कह रहा है डिलेड कोटेशन प्राइसिंग, कि भी कंपनी क्या करती है पहले अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट नहीं करती, वो क्या करती है अंटिल जब तक उसके प्रोडक्ट की फिनिशिंग नहीं हो जाती या पूरा तैयार नहीं हो जाता या डिलीवर नहीं होता तब तक उसके लिए एक फाइनल प्राइस सेट नहीं करती। This pricing is prevalent in industries with long production lead times, such as industrial construction and heavy equipment. ये कह रहा है ये वाली जो pricing का method है ये किस में mostly apply किया जाता है, उन industries में जिनका long production lead time होता है, जैसे industrial construction है या heavy equipment की manufacturing है। क्योंकि आप खुद देखें कि भी आपके जो production का time है, production lead time है, वो बहुत लंबा है। अब अगर मान लो कोई चीज़ आप तैयार कर रहे हैं और वो 2-3 सालों में होती है, तो क्या आप 2-3 सालों का कॉस्ट का एस्टीमेट लगा सकते हैं? हो सकता है कॉस्ट बढ़े, क्योंकि हो सकता है इन्फ्लेशन आ जाए, सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे रॉ मटेरियल्स के, तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो आपको नहीं पता। तो ऐसी इंडस्ट्रीज में जहाँ प्रोडक्शन लीड टाइम बहुत ज़्यादा होता है, कि प्रोडक्शन और उसकी फिनिशिंग में
पूरा मैन्युफैक्चरिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो लीड टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो उन केसेस में इस मेथड को अप्लाई किया जाता है जिसे हम बोलते हैं डिलेड कोटेशन प्राइसिंग। कि भी कंपनी क्या करती है, जब तक फाइनल प्राइस सेट नहीं करती, जब तक उसका प्रोडक्ट पूरा फिनिश्ड नहीं हो जाता या हम कहें डिलीवर्ड नहीं हो सकता, तो इसमें वो क्या करती हैं, अगर कॉस्ट इन्फ्लेशन भी आ रहा है, कॉस्ट बढ़ भी गई 2-3 सालों में जब तक वो प्रोडक्ट तैयार हुआ, तो वो उस कॉस्ट इन्फ्लेशन को भी अपने प्राइस में ऐड कर लेती है। क्लियर? ये था हमारा फर्स्ट तरीका जिससे हम कॉस्ट को या सॉरी प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि आपने प्रोडक्ट का या जो भी फाइनल प्रोडक्ट है आपका उसका फाइनल प्राइस सेट नहीं करा जब तक वो बनके तैयार नहीं होगा या डिलीवर नहीं होगा, क्योंकि ये उन्हीं इंडस्ट्रीज में फॉलो किया जाता है जहां प्रोडक्शन का जो लीड टाइम है, मींस प्रोडक्शन और डिलीवरी में जो टाइम है अगर वो बहुत लंबा है, तो वहां ये मेथड प्राइसिंग का अप्लाई किया जाता है, ताकि अगर कॉस्ट इन्फ्लेशन भी हो रहा है 2-3 सालों में जब तक वो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, तो उसको भी हम प्राइस में ऐड कर सकें। दूसरा मेथड हमारे पास है एस्केलेटर क्लोज। एस्केलेटर क्लोज में क्या होगा, द कंपनी रिक्वायर्स द कस्टमर टू पे टूडेज प्राइस प्लस ऑल और पार्ट ऑफ एनी इन्फ्लेशन इंक्रीज दैट टेक प्लेस बिफोर डिलीवरी। ये कह रहा है या फिर कंपनी क्या कर सकती है, एक एस्केलेटर क्लोज ला सकती है। एस्केलेटर क्लोज का क्या मतलब है कि भी उसमें कंपनी कस्टमर को कहती है कि भी आज हमें, आज आप क्या करें, आप हमें आज का प्राइस पे कर दें, उस प्राइस में प्लस जो भी या एनी पार्ट ऑफ द इन्फ्लेशन इंक्रीज टेक्स प्लेस, लेकिन डिलीवरी से पहले जितना भी इन्फ्लेशन होगा या तो वो सारा या उसका कुछ पार्ट आपको हमें बाद में पे करना पड़ेगा। क्लियर? एस्केलेटर क्लोज क्या होता है, कंपनी कस्टमर को कहती है कि भी आज हमें आप फाइनल जो आज का प्राइस है टुडेज प्राइस पे कर दें, लेकिन जब तक डिलीवरी नहीं होती उसके बीच में अगर कोई भी इन्फ्लेशन होता है, इंक्रीज होता है कॉस्ट वगैरह, तो उसका या तो पूरा पार्ट जो इंक्रीज हुआ है या कुछ पार्ट आप हमें बाद में पे करेंगे जब तक डिलीवरी नहीं होगी। क्लियर? एस्केलेटर क्लोज बेस प्राइस इंक्रीज ऑन सम स्पेसिफाइड प्राइस इंडेक्स, ये कह रहे हैं। और जो ये होता है कि भी कैसे प्राइस को हम माने कि भी इतना इन्फ्लेशन हुआ है या नहीं, वो इंडेक्सेस के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि भी कंपनी कितना चार्ज करेगी डिलीवरीज के पहले का जो भी इन्फ्लेशन वो लगाना चाहती है। क्लियर? तो ये हमने देख लिया। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो कंपनी क्या करती है, कंपनी को एक डर होता है कि जब तक डिलीवरी करेगी तो बीच में कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और कस्टमर बाद में वही प्राइस पे करने के लिए मना कर देगा, तो कंपनी क्या कहती है, एक एस्केलेटर का क्लोज डाल देती है। वो कस्टमर को कहती है कि आप हमें आज का प्राइस पे कर दें, लेकिन डिलीवरी से पहले अगर इन्फ्लेशन हो जाता है तो या तो पूरा इन्फ्लेशन जितना भी होगा या उसका कुछ पार्ट आपको पे करना पड़ेगा हमें। क्लियर? तो यहां भी उन्होंने क्या करा, प्राइस को इंक्रीज कर दिया, आज का प्राइस ले लिया, लेकिन अगर इन्फ्लेशन आता है तो आपको पे करना पड़ेगा कस्टमर को, वो प्राइस इंक्रीज हो गया। थर्ड हमारे पास है अनबंडलिंग। द कंपनी मेंटेन्स इट्स प्राइस बट रिमूव्स और प्राइस सेपरेटली वन और मोर एलिमेंट्स दैट वर फॉर्मली पार्ट ऑफ द ऑफर। ये कह रहा है कंपनी इसमें क्या करती है, अपने प्राइस को मेंटेन करके रखती है जो उसका ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन रिमूव्स या प्राइस सेपरेटली वन और मोर एलिमेंट्स दैट वर फॉर्मली पार्ट ऑफ द ऑफर। ये कह रहा है लेकिन उसमें से क्या करती है, कुछ एलिमेंट्स जो पहले उसके ऑफर के पार्ट्स थे, मतलब उसके प्रोडक्ट के पार्ट्स थे, उनको कुछ या तो उनको निकाल ही देती है, रिमूव कर देती है, या उनको अलग से प्राइसिंग कर देती है, सच एज डिलीवरी और इंस्टॉलेशन। मान लो पहले आप प्रोडक्ट की जो कॉस्ट चार्ज करते थे 10,000, उसमें आप डिलीवरी भी देते थे इंस्टॉलेशन भी देते थे, लेकिन जैसे ही प्राइजेज हाई हो गए, क्योंकि हो सकता है कॉस्ट इन्फ्लेशन आ गया या ओवर डिमांड होगी, दो रीजंस हमने देखे थे, तो कंपनी क्या करती है, अपने जो ओरिजिनल प्राइस है उसको तो मेंटेन रखती है, लेकिन उसमें से कुछ एलिमेंट्स को या तो निकाल ही देती है कि भी आपको इसके अलग से चार्ज करने पड़ेंगे, या उसका प्राइस सेपरेटली कर देती है। जैसे हमने अभी देखा कि वो डिलीवरी और इंस्टॉलेशन को काट देगी, या तो 10,000 का प्राइस था पहले, वो इसमें इंस्टॉलेशन और डिलीवरी आपको दे रही थी, लेकिन जैसे ही कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ या ओवर डिमांड हुई, वो कह रही है कि 10,000 में हम सिर्फ आपको प्रोडक्ट देंगे, उसकी डिलीवरी और इंस्टॉलेशन नहीं देंगे, या तो बिल्कुल ही किसी एलिमेंट को निकालना, या फिर कह देंगे कि डिलीवरी और इंस्टॉलेशन के लिए आपको अलग से प्राइस सेपरेटली अलग से प्राइस पे करना पड़ेगा। एग्जांपल है कार कंपनीज
sometimes add higher end audio entertainment systems or GPS navigation systems to their vehicles at separately priced extras. ये कह रहा है कई बार कार कंपनीज क्या करती हैं, अपने जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें हाई एंड ऑडियो एंटरटेनमेंट सिस्टम या हम कह सकते हैं GPS नेविगेशन सिस्टम ऐड कर देती है व्हीकल्स में, उसके लिए लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज करती है. क्लियर? तो हमने देखा, मान लो कार की कोई भी कंपनी है, वो पहले अपनी कार के साथ क्या करती थी, GPS नेविगेशन सिस्टम या हम कह सकते हैं ऑडियो एंटरटेनमेंट सिस्टम पहले जो कार का प्राइस होता था उसी में आपको प्रोवाइड करवाती थी. लेकिन जैसे ही कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ या उसने सोचा कि भी नहीं ओवर डिमांड हो रही है, तो उसने क्या किया, GPS नेविगेशन सिस्टम या ऑडियो एंटरटेनमेंट सिस्टम को या तो वो बिल्कुल ही निकाल देगी, अगर आपको लगवाना है तो अलग से निकलवाएं, उस प्राइस में वो आपको नहीं देगी, या फिर इनके प्राइजेस ही अलग कर देगी कि भी आपको इनके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. तो इसे हम बोलते हैं अनबंडलिंग, कि भी जो पूरा पहले आप ऑफर दे रहे थे कार के साथ, आप क्या दे रहे थे, उसमें ऑडियो सिस्टम भी दे रहे थे, GPS नेविगेशन भी दे रहे थे, लेकिन अब आपने क्या किया, उसकी अनबंडलिंग कर दी, पूरे ऑफर में से कुछ आइटम्स को या एलिमेंट्स को हम कह सकते हैं निकाल दिया, या फिर उनको प्राइस सेपरेटली, कि भी उनका प्राइस अलग से आपने एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया, तो यहाँ भी प्राइस क्या हुआ है, इंक्रीज. फोर्थ हमारे पास है रिडक्शन ऑफ डिस्काउंट्स. कंपनी डिस्काउंट्स ऑफर कर रही थी, लेकिन अब अगर कंपनी उन डिस्काउंट्स को बंद कर देती है या कम कर देती है तो भी तो प्राइस क्या हुआ है, रिड्यूस. मान लो कोई भी चीज़ है वो 90 रुपीज़ में मिल रही थी, 90 रुपीज़ मतलब थी वो 100 की लेकिन 90 में मिल रही थी डिस्काउंट पे, अब आपने इस डिस्काउंट को या तो कम कर दो या बिल्कुल ही ख़त्म कर दो. आपने कहा कि भी जो 10 रुपये का डिस्काउंट है, 100 रुपीज़ की चीज़ थी, 10 रुपये का डिस्काउंट था, अब फाइनल कितनी थी, 90 की, या तो आप डिस्काउंट को बिल्कुल ही खत्म कर दो या उसे रिड्यूस कर दो. 100 में से आपने कहा कि भी 0 डिस्काउंट है तो 100 की होगी, तो ये देखो प्राइस इंक्रीज हो गया. या फिर आप कह सकते हैं 100 में से सिर्फ 5 का डिस्काउंट है, तो अब भी आप देखें कि भी प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज, 90 से 95 आ गया. तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं. द कंपनी इंस्ट्रक्ट इट्स सेल्स फोर्स नॉट टू ऑफर इट्स नॉर्मल कैश एंड क्वांटिटी डिस्काउंट, या कंपनी क्या करेगी, अपने सेल्स फोर्स को इंस्ट्रक्ट करेगी कि भी आप बिल्कुल जो नॉर्मल कैश या क्वांटिटी डिस्काउंट देते थे वो देना बंद कर दें या उसको थोड़ा कम कर दें, तो भी एक तरीके से कंपनी का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज. तो ये 4 तरीके हमने देखे जिसमें कंपनी कैसे अपने प्राइस को इंक्रीज कर सकती है, या तो अनबंडलिंग कर दे, जो पहले आइटम्स दे रही थी उनको बिल्कुल निकाल दे और उनके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करे, या जो पहले डिस्काउंट्स दे रही थी उनको ख़त्म कर दे या रिड्यूस कर दे तो भी प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, या फिर एस्केलेटर क्लोज भी अपने एग्रीमेंट में डाल सकती है कि भी कस्टमर से आज का प्राइस तो चार्ज कर ले, लेकिन उसमें ये क्लोज डाला जाएगा कि भी डिलीवरी से पहले जितना भी इन्फ्लेशन होगा उसको या तो आप पूरा का पूरा बियर करेंगे या आधा तो आप बियर करेंगे. फोर्थ हो सकता है डिलेड कोटेशन प्राइसिंग. जब कंपनी फाइनल प्रोडक्ट जब तक तैयार नहीं हो जाता उसका फाइनल प्राइस नहीं सेट करती, बाद में जब वो बिल्कुल तैयार हो जाता है या डिलीवर होता है उस टाइम कंपनी उसका फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस सेट करती है, जिसमें अगर कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ है बीच में 2-3 सालों में जो भी हुआ है उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और फिनिशिंग तक उसको वो ऐड कर लेती है, तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है. ये थे हमारे तरीके, हमने प्राइस इंक्रीज के देखे. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस एंड प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल. बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.